हम एग्जाम्पल एट की बात करते हैं। क्या एग्जाम्पल है स्टूडेंट? पढ़े एक बच्चा, वन पॉइंट टू सेवन टू सेवन टू सेवन इक्वल वन पॉइंट टू सेवन का। इसको किसके किसमें रिप्रेजेंट करना है? पी अपॉन टू फॉर्म में टू नॉट इक्वल टू। देखो बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, x इक्वल नहीं, जो क्वेश्चन है उसको x मान लेंगे। क्या करेंगे फिर? अगर बार एक नंबर पे है तो 10 से मल्टीप्लाई, दो नंबर पे है तो किससे मल्टीप्लाई करें बोलिए? मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। क्या लिखेंगे? बोथ साइड। देखिए बेटा, 100 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल 1.27 बार मल्टीप्लाई। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? देन 100 एक्स इक्वल 127.27। कोई डाउट इस मल्टीप्लाई को समझ में आया? देखो बेटा, किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, दो नंबर आगे चले जाएंगे, एंड यू देन 27 रिपीट हो रहा है तो बार बार रिपीट करना है। अंडरस्टैंड? हाँ बेटा। देखो बेटा, जैसे 0.361 है, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे क्या आएगा? एक नंबर आगे पॉइंट चला जाएगा 3.61। ऐसे 0.361 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 36.1 आता है बेटा। ऐसे ही 1.27 को 100 से किया तो दो नंबर आगे चला गया, 27 बार बार रिपीट हो रहा है 27। अंडरस्टैंड? अब बेटा, अब सबसे जरूरी चीज जो समझनी है, एक्स की वैल्यू क्या है, इससे अलग करनी है तो ये कितनी बचेगी? देखो तो पहले मैं लिखता हूं फिर समझाऊंगा कैसे किया। 126 + 1.27 मैंने क्या किया, कोई बच्चा बताएगा मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? हाँ, 127 है, 126 कैसे आया? देखो बेटा, इसके दो टुकड़े करने हैं, इस तरह करने हैं कि x की वैल्यू अलग हो जाए। या तो आप ऐसे करो, 127.27 से माइनस क्या कर लो, x की वैल्यू माइनस कर लो, समझ में आया? और यहां पे ऐसे दो टुकड़ों में लिख दो, क्योंकि इनको प्लस करते तो यही आता है ना। x की वैल्यू इसलिए अलग करनी है क्योंकि हमें x अलग से लिखना है, हमें x अलग से लिखना है। तो मेरे देखो, 100x इक्वल 126 प्लस x, 100x माइनस x इक्वल 126, 99x इक्वल 126, x इक्वल 126 अपॉन। तो समझ में आया क्या स्टूडेंट? समझ में आया? देखो बेटा, 100 से मल्टीप्लाई किया, यहां तक समझ में आया? देन जो आंसर आया उसके दो टुकड़े करने हैं, x की वैल्यू माइनस करनी है। क्या करना है? x की वैल्यू माइनस करनी है। दो टुकड़े हो गए, इसकी जगह x रखा, फिर इक्वेशन सॉल्व करनी आती है आपको। अंडरस्टैंड?